तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जी व्हाट्सएप में न्यू अपडेट आने के बाद काफ़ी सारे न्यू फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं जिनकी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में जी व्हाट्सएप के सारे न्यू फीचर्स के बारे में आप लोगों को कम्प्लीट जानकारी देने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग को जी व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला जो फीचर आप लोग को यहाँ से मिलता है वो होम स्क्रीन पर आप लोग को मिल जाता है गोस्ट मोड का। तो गोस्ट मोड को एक्टिवेट करने से क्या होता है और आप लोग इसका यूज कैसे कर सकते हो, तो जैसे ही आप लोग गोस्ट मोड के ऊपर में क्लिक करते हो तो नीचे में आप लोग को एक एक्टिव का ऑप्शन मिल जाता है और आप लोग जैसे ही गोस्ट मोड को एक्टिव कर देते हो तो इससे आपका लास्ट सीन फ्रीज हो जाता है। सामने वाला पर्सन अगर आपको मैसेज करता है तो उसको ऐसा लगेगा कि आपके मोबाइल फ़ोन का नेट ऑफ है। और दूसरा जो सेकंड फीचर आप लोग को होम स्क्रीन पर मिलता है वो मिलता है प्रोफाइल का। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से प्रोफाइल के ऊपर में क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप लोग को यहाँ से ऐड अकाउंट का फीचर है, यहाँ से न्यू फीचर्स ऐड हुआ है। यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप में 2-3 अकाउंट को ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप लोग पहले इंस्टाग्राम अकाउंट में 2-3 ID यूज करते थे आप व्हाट्सएप में भी यूज कर सकते हो। तो तीसरा जो न्यू फीचर है वो सिम मैसेज रीड हिस्ट्री। अगर आप लोग किसी भी मैसेज को सेंड करते हो और आप लोग उस मैसेज को एडिट करते हो तो आप लोग उसका हिस्ट्री को देख सकते हो, कब आपने उस मैसेज को एडिट किया था आप लोग यहां से देख सकते हो, आप किस टाइम में उस मैसेज को आपने एडिट किया था। तो ये हमारा 3 न्यू फीचर्स हो चुका है। तो चौथा जो न्यू फीचर आपको मिलता है वो आप लोग गोस्ट मोड को शो या फिर हाइड करा सकते हो। तो चलिए इसके लिए आपको GB सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद आप लोगों को होम स्क्रीन के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को हेडर के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहां से देख सकते हो गोस्ट मोड, तो इसे अगर आप लोग हाइड कराना चाहते हो तो इसे यहां से ऑफ कर देना है। ऑफ कर देने के बाद आपके होम स्क्रीन से गोस्ट मोड का फीचर हाइड हो जाएगा। आप लोग यहां से देख सकते हो यहां पे आपका गोस्ट मोड का जो फीचर है वो हाइड हो चुका है। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में यहाँ से डार्क एंड लाइट मोड का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग इस सेटिंग में जाकर के यहाँ से आप लोग डार्क और लाइट मोड को शो या हाइड दोनों करवा सकते हो। तो यहाँ से आप लोग अपनी सेटिंग को कर लेना। उसके बाद जो 5वां न्यू फीचर्स आप लोग को देखने को मिलता है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मीडिया ऑटो डाउनलोड। अगर आप लोग यहाँ से ये आपका ऑन हो गया तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहां से जो भी डाउनलोड करना चाहते हो उस पर आप लोग को यहां से टिक कर देना और यहां से आपको ओके पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिक वो मीडिया डाउनलोड हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।